सैंडविच। सैंडविच हर किसी का फेवरेट होता है, पर वही है कि इसे बनाने में जो टेस्ट हमें स्ट्रीट स्टाइल वाला चाहिए होता है, हम वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज मैं मुंबई का फेमस स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच की रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये सैंडविच बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत लगता है, पर कम मेहनत के साथ टेस्ट में बिल्कुल कमी नहीं आने वाली, गारंटी मेरी है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और सुपर इजी है। आप इसे बना कर आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो वीडियो पसंद आने पे आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए हम चलते हैं मेरे किचन में और इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब सरसों तेल। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा, 1 टीस्पून सरसों दाना और इनके चटक जाने के बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे अदरक ऐड कर देंगे कटा हुआ और थोड़ा सा करी पत्ता। सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनके चटकते यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको बारीक कट कर लिया, मिक्स करके इसको 2 मिनट पका लेंगे और प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब यहाँ पे थोड़ा सा हींग ऐड कर दूंगी। नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है और उसके बाद मिक्स करके इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर और। 1 मिनट पका लेने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और उसके बाद जो आएगा यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, उसके बाद जो है यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर और उसके बाद जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने के बाद आपको मिक्स करके इसे पकाना है। और इसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके हम तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर ना चेंज हो जाए। तो बस इसे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे और फिर पका लेने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, जब ये पक जाए प्याज एकदम कलर चेंज हो जाए, मशी हो जाए, तब यहाँ पे उबले हुए आलू थे, 3-4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू थे जिनको हाथ से अच्छे तरीके से हमें मैश करके ऐड कर देना। तो इस तरीके से मैश करके हम इसे ऐड कर देंगे बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया है। ये देखिए हमारा डिलीशियस सैंडविच का स्टफिंग तैयार है। तो देखिए ये स्टफिंग तैयार है, अब कुछ नहीं करना है, आपको लेना है ब्रेड और चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए ब्रेड हमने ले लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस। अब क्या करेंगे, हरा चटनी बना लीजिए। हरे चटनी की रेसिपी मैं जल्द ही आपसे शेयर कर दूँगी। हरे चटनी को आपको करना है स्प्रेड। तो यहाँ पे इससे क्या होगा ना, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा लगेगा सैंडविच। तो हरी चटनी को अच्छे क्वांटिटी में दोनों ही ब्रेड के साइड में स्प्रेड करने वाले हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से हरा चटनी लगा लिया, पहले एक पे लगाया और फिर जाएगा ये दूसरे पे। तो दोनों ब्रेड पे जो है हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रीन चटनी फैला देंगे। ग्रीन चटनी फैला लेने के बाद बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग बहुत ही भर के यूज़ करेंगे और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेजवान सॉस लगा देंगे, इससे बहुत ही स्पाइसी लगेगा, 1 टीस्पून के करीब, और कटा हुआ प्याज के यहाँ पे रिंग्स ऐड कर देंगे और ये गया हमारा दूसरा ब्रेड। और इसके ऊपर से अच्छी तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ अच्छी तरीके से बटर लगाएंगे ताकि हमारा सैंडविच बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बटरी बनेगा। तो देखिए दोनों साइड से बटर लगाएंगे और ये मेरे पास सैंडविच वाला मोल्ड था जिसको मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल से। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तवे पे भी इसको सेंक सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सैंडविच या टोस्ट मेकर में ऑयल लगाकर और ये देखिए इस तरीके से ढक कर हम इसे दोनों साइड से जो है क्रिस्पी होने तक सेंक लेंगे। तो देखिए अलटते पलटते आपको ध्यान देना है कि आप दोनों साइड से इसे सेंक लें और ये देखिए इस तरीके से जो है हम अलटते पलटते से दोनों साइड से सेंक लेंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये देखिए दोनों साइड से सेंक जो है, ये देखिए एक साइड से सेंक गया और ये गया दूसरे साइड से, तो बस ये सेंक गया है, इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है ये देखिए, और इसमें तो मुझे कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अच्छी तरीके से इसमें शेप आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। नॉर्मल सैंडविच आप हमेशा बनाते होंगे, एक बार मेरे तरीके से इसे बना कर देखिए, आपको बेहद पसंद आने वाली ये रेसिपी लगेगा। अब देखिए हमारा टेस्टी सा सैंडविच तैयार हो गया, तो आप इसे इंजॉय करिए। आप चाहें तो यहाँ पे गार्निशिंग कर सकते हैं चीज़ के साथ, या फिर आप थोड़ा सा नमकीन का सेव डाल दें, जैसे कि मुंबई में मिलता है सेव से वो गार्निशिंग करके दे रहे होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर सेव डाल दिया। यहाँ पर आप नाइलॉन सेव का भी यूज़ कर सकते हैं और आपका टेस्टी सा सैंडविच बनके तैयार है। आप इसे बनाइए, इंजॉय करिए। बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत लगने वाला है, पर कम मेहनत के साथ आपको टेस्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि आप नॉर्मल सैंडविच हमेशा बनाते होंगे, पर जो ये सैंडविच है ना, इसकी टेस्ट
अलग ही लेवल की होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए अंदर से ना ग्रीन चटनी व टेस्टी डिलीशियस स्टफिंग वाले जो आलू बने हैं ना, बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन निकल के आता है। इसे बनाइए और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद फीडबैक शेयर करने के बाद इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोग भी बनाएं और वो भी जो है अपने ब्यूटीफुल फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।